हाय गाइस, गुरु गेमिंग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं उग्र आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। तो आज के वीडियो में ना एक चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में मैं मतलब कि मुझे वीक में 2-3 बार तो कोई ना कोई मैसेज करता ही है इस मैटर के रिलेटेड या फिर कॉमेंट करता है। तो यहाँ पे बात यह है कि भाई आईडी लॉक हो गई है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो आपको वो समझना है आईडी लॉक कैसे होती है। ओके, मतलब कि किस तरह होती है आईडी लॉक, वो सुपरसेल आईडी लॉक किस तरह करते हैं भाई? चाबी से लॉक मार देते होंगे, चपाक। तू चुप रहे भाई। ओके, तो वो आईडी लॉक के एक बहुत सारे रीजंस है, बट एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आईडी मेरी है। ओके, ये आईडी मेरी है। अब यहाँ पे मेरी तो है खुद की, बट कभी कभार केस में क्या होता है, मैं इनएक्टिव हूँ। ओके, ये आईडी है और मैं इनएक्टिव हूँ, तो कोई अदर बंदा इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड देन वो रिकवर सक्सेसफुली कर लेता है। ओके, बट उसके बाद फिर मैं जब ऑनलाइन आता हूँ कुछ टाइम के बाद, तब मैं कहता हूँ भाई ये मेरी आईडी है, क्या कर रहे हो भाई, इनको दे दी। तब सुपरसेल आईडी लॉक कर देती है। क्यों? क्योंकि सुपरसेल तब कंफ्यूज हो जाती है इसका रियल ओनर है कौन, तब आईडी लॉक मार देती है एंड देन वो वेट करती है। तब आप लोग मैसेज करोगे, जब आईडी लॉक होगी ना तब सपोर्ट का ऑप्शन आएगा बीच में स्क्रीन पे ही, तो वहाँ पे मैसेज करोगे तो वहाँ पे आपको सुपरसेल सब क्वेश्चन पूछेगी एंड आपको फिर वो सब क्वेश्चन के आंसर देना है, वो चीज़ है। दूसरे केस में क्या होता है कि भाई आप किसी की आईडी लेने जाते हो, मतलब कि मैं एक्टिव हूँ यहाँ पे और किसी की आईडी लेने जाते हो, अब बोलते हो मेरी आईडी है जबकि और एक बंदा इस आईडी को हर रोज ऑनलाइन आता है चलाता है। ओके, और तब क्या करता है, आईडी सीधी लॉक कर देते हैं। फिर दो चेक करते हैं कि भाई ये जो बंदा रिकवर करने आए उसकी आईडी है या फिर ये जो हर रोज ऑनलाइन आता है आईडी में उसकी आईडी है वो। अब यहाँ पे आईडी को वापस कैसे लाए, जो लॉक आईडी है, तब अब यहाँ से आगे क्या किया जाए वो चीज। तो यहाँ पे जब आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाओगे, आईडी लॉक हो गई। ओके, चलो सब परफेक्ट, आईडी लॉक ओके, कोई दिक्कत उस तब तक कोई टेंशन लेने का। देखो आईडी लॉक होना तो उल्टा अच्छा है कि भाई आपकी आपका बेस किसी और के पास नहीं गया। ओके, वहाँ का वहाँ है, बस आपको आपका बेस वापस लेना है आपके बलबूते पर, तो यहाँ पे इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी। ओके, आप सब ऐसा मत सोचो कि भाई ओ भाई सब गया अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ये लॉक हो गया तब आपको हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है, बोलना है कि भाई मेरे ये प्लेयर टैग है, ये आईडी है, लॉक हो गया है। तो आपको ना ढेर सारे क्वेश्चन भेजेंगे वो लोग। अब यहाँ पे मेन चीज अभी आती है, एकदम बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आता है अब, मतलब कि कुछ भी इधर का उधर हुआ, ओके, छोटी सी तिनके जितना भी, तो भी आपकी आईडी जाएगी। तो वो जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसके आपको एकदम सही आंसर दे रहे हैं। थोड़ा सोचना है, ओके, 10-15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद आपको आंसर देने हैं आराम से। ओके, बट जितने भी क्वेश्चन हो सबके सही आंसर देने। ओके, क्योंकि वहाँ पे ऐसा भी मतलब कि इतना तो कुछ नहीं पूछते, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी पूछते हैं वो लोग, कुछ कुछ चीज़ें जो सिर्फ आईडी के ओनर को ही मालूम हो। ओके, जो सिर्फ आईडी के ओनर को ही मालूम हो, बाकी इधर किसी को ना मालूम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया आप लोगों को मैं कितने साल से खेल रहा हूँ, ओके, इस गेम को, बट मैंने आपको कभी भी राउंड फिगर या परफेक्ट डेट या परफेक्ट मंथ कभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ओके, तो वो मुझे ही मालूम है और मैं किसी को बताऊंगा नहीं, वो मुझे ही मालूम है। तो सेम टू सेम वहाँ पे भी ऐसा ही है, वो जो पूछेंगे वो सिर्फ ओनर को ही मालूम होगा। तो वहाँ पे ना आप लोगों को सबका सब सही आंसर देना है। अब वहाँ पे आप लोगों ने एक गलती कर दी, चलो आप गलती तो जानबूझ के तो करोगे नहीं, आपको पता नहीं होगा या फिर याद नहीं आ रहा होगा, ओके, तो भी जाएगी आईडी। तो वहाँ पे ध्यान रखनी है, थोड़ा सोचना है, जो भी क्वेश्चन हो सबके सही आंसर देने या फिर कुछ अगर दिमाग में ना आए ना, है ना, तो दूसरे की आईडी ओपन करके अपना बेस विजिट मारने का, ओके, और सोचने का। फिर अगर ऐसा लगे कि भाई यार नहीं हो रहा यार, तो थोड़ा अपना बेस देखोगे, थोड़ा खुश होंगे और फिर कुछ आंसर दे सकोगे, वरना तो फिर नहीं होगा कुछ। तो ये है सिंपल चीज, जब आईडी लॉक होती है तब ये चीज करनी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आईडी लॉक होती रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, और आईडी ऐसे ही वो लोग लॉक नहीं करते। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ मैटर हो तभी करते हैं। ओके, और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो यहाँ पे उसको अनलॉक इजीली आप करा सकते हो, बट थोड़ा आप लोग सब्र से आराम से काम लोगे तो
पैनिक हो जाओगे, मूड आउट हो जाएगा आपका, और बोलोगे भाई ये क्या हो गया, मेरा इतने साल की मेहनत पानी में चल गई, वैसा करोगे तो नहीं होगा कुछ। कूल रहना है, ओके, शांत रहना है, ओके, थोड़ा दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम लेना है। ये थी गाइस पूरी आज की वीडियो। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो, ओके, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो वगैरह वगैरह बताइए, मैं आंसर दे दूंगा अगर इससे अलग हो, इस टॉपिक से अलग क्वेश्चन होगा तो। एंड लाइक कर देना इस वीडियो को अगर ये अच्छी लगी हो तो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं भाई, तो लाइक कर देना, ओके। एंड चलो पहली बार आ रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते खिलते रहिए। द क्लैश ऑफ क्लैंस।